अरे हमसे ऊपर कोई नहीं है। तुम यहाँ पे कैसे हो, क्या कर रही हो? वीडियो बना रहे हैं इसके। चाची अच्छा जी। क्या कर रही थी, कब से हो रहा है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल एफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो बस जस्ट अभी शावर लेकर आई हूँ, और ये देखो मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। ये मैंने है पहना है जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, जो कि मैं बोल रही थी आप लोगों की मैं ये कल पहनने वाली हूँ ड्रेस, लेकिन फिर कल मैंने नहीं पहना था, आज पहन रही हूँ। और ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी था। सबसे अच्छा मुझे ये चीज़ लगी है, इसकी स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन दिया गया है गोटे पट्टे का, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो बस अभी मैं शावर लेके आई हूँ। खाना वगैरह अभी हम लोगों ने जो है खाना नहीं है, आज हम लोगों ने जो है बाहर से ही मंगाया था नाश्ते में। तब तक मैंने सोचा नाश्ता कर लिया है तो भूख अभी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि आज लेट ही नाश्ता किया हम लोगों ने, तो अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही। जब भूख लगेगी तब खाना खा लेंगे, और वैसे भी जब तक भूख ना लगे तब तक ज़बरदस्ती नहीं ठूसना चाहिए है ना, तो इसीलिए जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, अभी तक तो नहीं लग रही है। जस्ट अभी नहा कर ही आई हूँ मैं, और पता नहाने के बाद में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, कैसा लगता है कि बस जल्दी से पंखा वंखा चला के बैठ जाओ, इतने ज़्यादा पसीने छूटते हैं। यहाँ पे देखो मेरे फ़ोन से हो गई है छोटी सी। तो मैंने चेहरे पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है, और मैं लगाऊंगी बाद में, अभी मेरा मन नहीं है। अभी मैंने सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर लूँ, उसके बाद में मैं कुछ देखूंगी। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं तैयार वैयार होकर आप लोगों के सामने आऊँ, मैं तो जैसी रहती हूँ मैं वैसे ही आ जाती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है कि मैं रेडी हुआ पहले फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आऊँ ब्लॉग शुरू करूँ, तो ऐसा नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही आती हूँ आप लोगों के सामने, है ना। तो अच्छा भी रहता है भाई, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही हम आप लोगों के सामने भी आएँ। बार बार रेडी होना तैयार होना मुझसे नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें मैं तो ऐसे ही आ जाती हूँ। अच्छा वाकई में ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लूज़ है, ये देख ही रहे हो गए आप लोग, ये स्लीव्स कितनी ज़्यादा लूज आ रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लूज हो रही हैं देखो। तो मैं सोच रही हूँ उसकी फिटिंग कर लूँगी घर में ही, क्योंकि अच्छा पता है मैंने जो सलवार के लिए जो कपड़ा मंगवाया था ये अभी तक गए नहीं हैं उसको डालने के लिए, तो मेरी सलवार वगैरह भी नहीं सिली हैं, मैं इनको भेजूंगी तो ये डाल करके आएंगे। तो चलिए फिर अभी मिलते हो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेडी शेडी भी हो जाते हैं, फिर अच्छा लगेगा ना नए नए कपड़े पहने हैं तो थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी हो जाए। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, फुल लुक इसका कैसा लग रहा है और मेरे ऊपर ये कैसी ड्रेस लग रही है, सभी कुछ आप लोग देख लेना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और इस ड्रेस के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए भाई ड्रेस व्रेस सब कुछ हमारी देख ली है, और यहाँ पे बन रहा है खाना। तो आज मैं बना रही हूँ, ये लेग पीस रखे हुए थे चिकन के, तो बस आज स्टू बना रही हूँ, तो बस वही बन रहा है। दही वगैरह डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की, क्योंकि स्टू की रेसिपी मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, तो इसलिए मैंने नहीं की। हाँ जी, तो आज से जो है ना मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब से जो है मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और बस अब से मैं जो है ना अपने दिल की ही सुना करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डर रहता है कि अभी ये कोरोना टाइम चल रहा है और ऊपर से लॉकडाउन भी था, तो उसकी वजह से क्या है ना मैं थोड़ा सा डर रही थी। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा डर लगता ही है, और इसीलिए बस सभी लोगों से घर वालों से सबसे बात हो गई है। तो बस ये मेरा फाइनल डिसीज़न था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है, और अब हमें अपना बेबी चाहिए।
बस डर इसी बात का था कि और कोई डर तो नहीं था, बस इसी का था कि ये कोरोना वगैरह चल रहा है तो फिर किस तरह से हम डॉक्टर के पास जाएंगे, या अभी सेफ़ भी नहीं है बिल्कुल भी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुकी हुई थी। और भाई और कोई बात नहीं है, फिर आप सब लोग भी कह रहे हैं, फिर सब लोग जो है आप लोगों को पता है कि फिर सब लोग घर में भी कहने लगते हैं कि हाँ अब तो हो जाना चाहिए, तो बस इसीलिए अब लग रहा है कि हाँ चलो। तो इस बारे में जो है अगर आप लोग भी मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, या अपने से जुड़ी कोई भी बातें बताना चाहते हैं, या डॉक्टर से जुड़ी कोई बातें बताना चाहते हैं, तो भी ज़रूर से बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इस चीज़ का, है ना, तो सही भी रहता है, थोड़ी इससे पहले जानकारी भी होनी चाहिए। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी। अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, यहाँ पे हमारा चिकन बन चुका है स्टू, और यहाँ पे दाल भी बनाई है, थोड़ी सी टमाटर की मीठी वाली चटनी भी बनाई है। तो अभी आ गई थी मैं ऊपर, कल रात को ही मैंने कपड़े जो है अपने धोए थे तो वो डले हुए थे। वैसे मैं सुबह ही सोच रही थी तो सुबह उठा लूँगी, लेकिन फिर धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि छत पे आने का मन नहीं होता है, तो अभी कपड़े उठा लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं यहाँ पे, और आज तो सारे दिन ही हमारे जो कपड़े हैं वो सूखे हैं, लेकिन ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिसमें से कलर मतलब उड़ जाए। वैसे भी लाइट लाइट कलर के कपड़े ही यहाँ पर डले हुए हैं, तो अगर धूप भी लगेगी तो वो वैसे भी लाइट कलर के ही है, तो उड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ यार दिख तो रहा है एकदम चौकोर जैसा दिख रहा है। हाँ इन्नू को पता है सब कुछ। हाँ क्या है इन्नू बता। ओह माय गॉड कौन है? मारी आरी पारी पता नहीं इन्नू क्या क्या बोल रही है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है बिल्कुल अजीब। ये पहली बार देखा अपन ने ऐसा, है ना, ऐसे पहले कभी नहीं देखा। नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो मगरिब की नमाज़ हो चुकी है, अब मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। आज किचन ही किचन का रूटीन हो रहा है ना ज़्यादातर, तो बस यहाँ पे देख लीजिए मैं एग निकाल कर लेकर जा रही हूँ फिर से, और एग बॉईल करने के लिए रखूँगी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि ये सब लोग तो डाइटिंग पे हैं, मैं सिर्फ डाइटिंग पे नहीं हूँ, मैं और भी ज़्यादा मोटी होना चाहती हूँ। तो ये देखो वैसे भी सब लोग कहेंगे कि हाँ अभी तो इतनी मोटी हो रही है और कितनी मोटी होगी, तो बस यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। गाइस अभी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं फारिग हो गई थी मैं उससे, और बस अभी मैं मेरा मन हो रहा था खाने का कि मैंने इनके लिए एग बॉईल करने के लिए रखते थे तो वो अच्छे से हो गए हैं। उसके बाद में मेरा मन हो रहा था कि मुझे दाबेली खाना है, लेकिन जब घर में पाव देखे तो पाव घर में है नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम घर में पाव बना ही लेते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, इजी भी है और जल्दी भी बन जाता है, तो ऐसा ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो घर में पहले पाव बना लेते हैं फिर उसके बाद में हम दाबेली बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए रेसिपी बहुत क्विक सी है, बहुत ईजी सी है और बहुत फास्ट भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ज़्यादा टाइम उसमें लगता है जब आपको बहुत अच्छे से उसको डो बनाना है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को वन बाई वन सारी स्टेप्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये मैदा लिया है डो बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये 2 कप मैंने मैदा लिया है इसमें, ठीक है। और ये 1/2 कप है हमारा गरम दूध, ये ऑयल है, नमक, और ये है ईस्ट। तो यहाँ पे जो है सारे इंग्रेडिएंट मैंने आप लोगों को बता दें कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले एक कटोरी लेंगे, और कटोरी में पहले मैंने डाली है ये चीनी और यीस्ट पाउडर और नमक, और ये थोड़ा सा गुनगुना दूध है वो मैंने इसमें डाल दिया। और अभी इसको रख देंगे हम 10 मिनट के लिए साइड में ढक कर, क्योंकि इसको थोड़ा सा फूलना भी है, तो इसलिए हम रखेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा 2 कप, मैंने आप लोगों को बताया 2 कप लेना है, मैंने सारा मेज़रमेंट के हिसाब से ही लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, तो इस मैदे को हमें ये गुनगुने दूध से गूंदना है। अगर
दूध अगर कम लगे तो फिर आप पानी से भी गूंद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दूध से ही गूंदे, अगर दूध से गूंदेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे बहुत ही चिकना सा डो बना लेना है, मतलब बहुत देर तक इसको अच्छे से मसल लेना है, इसको बहुत चिकना सा डो हमें बनाना है। और डो हमारा बन चुका था, उसके ऊपर से मैंने यहाँ पर ऑयल ग्रीस कर दिया है इसके ऊपर, और इसको रख देंगे हम 2 घंटे के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे अपने बर्तन साफ़ कर लिए हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इसको फूलने के लिए ही टाइम लगता है, बाकी बेकिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे तब तक हम अपने बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं शाम के। और ये देखो थोड़ा सा ये फूल गया था, तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए तो रख दिया था और ये इतना फूल गया था, ये ना आटे का डबल आटा हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी इस के पीसेस कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसकी बॉल्स बनानी है। यहाँ पे देखो मैंने चाकू से कट कर लिया है, अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये टीन ले ली है, अगर आपके पास ट्रे टाइप की है तो आप वो ले सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर बनता है, कि हमारे पास नहीं थी तो मैंने ये केक वाली जो टीन थी हार्ट शेप और ये फ्लावर टाइप का वो मैंने ले लिया था। यहाँ पर मैंने ये बन बना लिए हैं और ऑयल से ग्रीस कर दिया था मैंने इस टिन को, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ढक कर फिर से मैं 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये हमारे जो बन है वो फूल कर डबल हो जाए, तभी हमारे जो बन है वो स्पॉन्जी बनते हैं। तो बस इसको मैंने 1/2 घंटे के लिए मैं ढक कर रखे आई थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए क्योंकि ऊपर छत से मैं कपड़े ले करके आई थी। यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा सा उदम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और तब तक मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और फोल्ड करके आई थी वैसे ही देखो यहाँ पे हमारे जो बन थे वो डबल हो गए हैं। अब मैं माइक्रोवेव को प्रीहीट के लिए लगा दूँगी 200°C पर 10 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तब तक वो गर्म हो रहा है, तब तक हम इसमें यहाँ पे मलाई और मैंने मिल्क लिया है, ठीक है, दूध लिया है, उसको मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो मैं इसको चम्मच से लगा रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसको लगा के मैंने इसके अंदर रख दिया है, अब मैं फिर से 200°C पर 20 मिनट के लिए इसको लगा दूंगी। और ये देखो हमारे बन कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं और कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरा पैच भी ऐसे ही लगा करके रख दिया है। और यहाँ पे ये देखो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर, क्योंकि इसके ऊपर बटर लगाया जाता है ताकि इसकी शाइनिंग जो है बरकरार रहे और भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए एकदम चिकना चिकना सा लगे, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर दूध लगाया ना तो वो थोड़ा सा क्या है ना, इसके ऊपर की जो परत थी ना वो थोड़ी सख्त सी हो गई है, इसलिए यहाँ पर जो है ना बटर लगाना पड़ता है और उसको थोड़ा सा देर के लिए हमें ढक के रख देना है। और जब तक ये ठंडे हो जाते हैं फिर आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। अब इनसे बढ़िया बढ़िया रेसिपी आप लोगों को मिलेंगी, बहुत अच्छे आए हैं, इसका कलर देखो और बहुत स्पॉन्जी भी हैं ये देखो। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। अगर आप लोग मुझे अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, चलते हैं, दुआ में ज़रूर याद रखना।